मैं अपने आने वाले लगभग 15 दिन और 7000 किलोमीटर का सफर अपनी इस बाइक के ऊपर करने के लिए इसको रेडी कर रहा हूँ। अभी इसके अंदर पीछे जो टॉप बॉक्स है उसको लगाने के लिए ये फ्रेम कसा जा रहा है और ये हैं मेरे पैनियर्स और टॉप बॉक्स जिनके अंदर लगभग मैं अपनी जरूरत का सारा सामान रखने वाला हूं। और अब मैं तैयार हूं लद्दाख के लिए निकलने के लिए। यहाँ से लेह की जो दूरी है वो लगभग 2200 किलोमीटर की है और मौसम आज थोड़ा बारिश का है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज बारिश और धूप या जो भी चीजें देखने को मिलेंगी वो जिस तरह की ये सफर होगा उसके एक्साइटमेंट को बढ़ाने वाली हैं। मैं मेंटली पूरी तरीके से प्रिपेयर हूँ कि मुझे इस सफर में जो दूरी है उसमें अपनी बाइक को और अपने आप को कैसे मैनेज करना है और फिर जब मैं पहाड़ों पर पहुँच जाऊँगा तो किस तरीके से मुझे अपने आप को वहाँ पर संभालना होगा। जितनी भी ज़रूरत की नॉलेज और तैयारी होती है वो मैंने कर ली है और मैं गुजरात से क्रॉस कर रहा हूँ। किसी भी बाइकर के लिए हिंदुस्तान के अंदर लद्दाख एक ऐसी जगह है जो उसका ड्रीम डेस्टिनेशन होता है और पूरी ही दुनिया से लोग लद्दाख को देखने के लिए आते हैं। वहाँ का जो एडवेंचरस जो पहाड़ियाँ हैं उनके ऊपर बाइक चलाना और एक अलग जो एनर्जी मिलती है उसको महसूस करने के लिए लद्दाख में आते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान का लोकल ट्रांसपोर्ट बेशी। हाईवे के ये रास्ते जिस जिस तरीके की जगहों से गुजरते हैं उस तरह का रिफ्लेक्शन हाईवे के ऊपर नजर आता है। जैसे अगर सपोज आप गांव से पास में से निकलेंगे तो इस तरह के मवेशी वगैरह आपको दिखेंगे और धार्मिक यात्राओं पे भी लोग हिंदुस्तान के अंदर लगभग हर महीने में ही निकलते हैं। वैसे ही ये जो बाइकर्स दिख रहे हैं ये किसी धार्मिक यात्रा पर हैं। हिंदुस्तान जो है वो धार्मिक मान्यताओं का देश है। ट्रेन को ऐसे दूर से जाते हुए देखना, टनल के अंदर बाइक चलाना, आयरन ब्रिज के ऊपर से गुजरना, ये कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और अब टाइम आ गया है कि जम्मू और कश्मीर की सीमा के अंदर मैं प्रवेश कर लूँ। आज मुझे घर से निकले हुए 5वां दिन है और इन 5 दिनों के अंदर थकावट मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई है। सिर्फ इसलिए कि वो लद्दाख की वादियों में जाने का जो एक्साइटमेंट है वो मुझे थकने नहीं दे रहा है।
अब रोड्स और लोकल ट्रैफिक बहुत अच्छा कर दिया गया है। जिस तरह से आप टनल्स को देख रहे हैं, तो टनल्स बनने से काफ़ी किलोमीटर का जो रास्ता होता है वो बच जाता है और आपका बहुत टाइम भी बच जाता है। और जो नए बाइकर्स हैं उनके लिए पहुंचना भी इजी है, क्योंकि उनको उतने दुर्गम रास्तों से अपनी मोटरसाइकिल को नहीं चलाना पड़ता। हाँ, लेकिन दुर्गम रास्तों पे चलाने के लिए ही सब बाइकर्स वहां पर जाते हैं। टनल्स इतने ज्यादा बन गए हैं और इतनी अच्छी सुविधा हो गई है कि मुझे लगता है कि कम से कम एक दिन आपका बचता है। हालांकि आज भी हिंदुस्तान के अंदर बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जो जहां पे भी वो रहते हैं वहां से बाइक से पहुंचते हैं। ज्यादातर लोग जो हैं वो लद्दाख पहुंचकर अपनी बाइक को रेंट पे लेते हैं या दिल्ली से लेते हैं। वादियों में मोटरसाइकिल का ये सफर सिर्फ बयान करने से नहीं समझाया जा सकता। ये डल लेक जो बहुत ही खूबसूरत हाउस बोट से भरी हुई है, बहुत ही प्राचीन लेक है ये। और एक तरफ जिसमें यहाँ पे हाउस बोट्स हैं, दूसरी तरफ वहाँ पे होटल्स भी हैं और बहुत अच्छे खूबसूरत ग्रीनरी से सराउंडिंग और पहाड़ियों से घिरा हुआ ये डल लेक। यहाँ पे अगर आप आते हैं और आप शिकारे के अंदर आपको बैठेंगे तो आपको एक अलग ही दुनिया, एक जन्नत का फील आएगा। और दुनिया के 10 रिस्की घाट के अंदर में से एक है जॉजिला घाट, और मैं आ गया हूँ अभी जॉजिला पास के ऊपर। ये दुर्गम रास्तों का एक ऐसा पास है जहां पर हर किसी के बस की बात नहीं होती अपने व्हीकल्स को चलाना, और यहां आपका एक परीक्षा हो जाती है, यहां पे आपकी एक परख हो जाती है कि आगे के रास्तों पे आप किस तरीके से चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे। ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि साथ में हजारों फीट की खाई है और किसी तरह की कोई गलती की गुंजाइश यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। मन में दृढ़ता और बाइक के हैंडल के ऊपर आपकी मजबूती और दृढ़ आत्मविश्वास यहाँ बहुत ज़रूरी है। और यही आपको ज़िंदगी में मजबूत बनाता है हर तरह के फैसले लेने के लिए। जब आप ऐसे रास्तों से अपनी मोटरसाइकिल को चलाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी सोचने समझने की जो शक्ति है वो भी बहुत बढ़ जाती है। बहुत ही खूबसूरत और हर तरीके से संतुष्टि देने वाला बाइकर्स, जो जिनके अंदर एक बाइकर्स रूह होती है, एक ट्रैवलिंग का जिनका मन होता है, उनको यहाँ पर आके बहुत शांति और रिलैक्स फील होता है। यहाँ पे जब ट्रैफिक जाम होता है तो ये नज़ारे कुछ अलग होते हैं, लेकिन जब इस रूट को मैं कवर कर रहा हूँ, इस रास्तों पे जब मैं गुजर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ है और मैं बहुत ही मजे के साथ में अपनी राइड का आनंद ले रहा हूं। कारगिल मेमोरियल पे मैं फोटोग्राफी नहीं कर पाया क्योंकि आज यहां परमिशन नहीं थी।
करगिल का जो वार था वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में हुआ एक झगड़ा है, जहाँ पे हिंदुस्तान ने जीत हासिल की थी। तो शहीदों की याद के अंदर ये जगह बनाई गई है, जो कि एक देशभक्ति से प्रेरित, देशभक्ति की फीलिंग देने वाली बहुत ही अच्छी जगह है। और आप महसूस कर सकते हैं इस जगह की एनर्जी को, कि एक तरफ पानी है और एक तरफ इतने सूखे पहाड़ हैं। पानी की आवाज और यहां की हवा, वादियां बहुत सुकून देते हैं। मैं अपनी राइड बहुत स्पीड में नहीं करता हूं, क्योंकि मेरा मकसद जो है वो कहीं पहुंचना नहीं होता है, बल्कि ये जो रास्ते हैं इन पे घूमने का ही मेरा मकसद होता है। और जितना भी मैं घूम सकता हूं इन रास्तों के ऊपर मैं घूमना चाहता हूं, क्योंकि इस तरह के राइड्स आप साल में बार बार नहीं कर सकते हैं। तो जब भी मौका मिलता है तो इनका पूरा मजा लेना बहुत जरूरी है और हर एक को लेना चाहिए। लद्दाख की पहाड़ियों के अंदर अब मैं आ चुका हूं, और यहां आने के बाद जो चीजें महसूस होती हैं वो बहुत ही दुनिया से अलग बातें हैं, जो कहीं ना कहीं हमें प्योरिटी, सिंप्लिसिटी से कनेक्ट करती हैं। जितने भी राइडर्स यहाँ पर आते हैं और ये डॉक्यूमेंट्री को देख रहे हैं, उनसे मैं यही बात बोलना चाहूँगा कि इन रास्तों पे बाइक भगाने से ज़्यादा है कि आप इस जगह को, इन रास्तों को महसूस कीजिए और यहाँ रुकिए, थोड़ी थोड़ी देर रुक के आगे बढ़िए, और अंधेरा होने से पहले जहाँ पे भी आपको रुकना है उस डेस्टिनेशन पर ज़रूर पहुँच जाइए, क्योंकि अंधेरे में पहाड़ों का जो माहौल होता है वो बहुत अलग होता है। और अंधेरा होने के बाद कोई भी व्हीकल चलाना यहाँ पे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इन पहाड़ों में जो टर्न आते हैं, जो मोड़ आते हैं, वो मोड़ उस तरीके के होते हैं कि आपको मोड़ के उस पार बहुत जल्दी नहीं दिखेगा। तो कभी भी अपनी गति, अपनी स्पीड को उतना मत बढ़ाइए कि व्हीकल कंट्रोल में ना रह पाए, और दिल खोल के मजे लीजिए इस जगह के, जहां पूरी दुनिया से लोग आते हैं। अब मैं निकल रहा हूं खारदुंगला की तरफ, जो कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। लेह की ये खूबसूरत सुबह, शहर अभी पूरी तरीके से उठा नहीं है,
बस टैक्सी वाले और जो टूरिस्ट से रिलेटेड जिनके काम हैं वो उठ गए हैं, अपने काम पे लग गए हैं। और आज जो दिन है वो है 15 अगस्त का, जिस दिन ये राइड मैंने की है। खारदुंगला की तरफ ऊपर जाते टाइम ठंड का एहसास बहुत होता है, क्योंकि ऊपर जो है ऑक्सीजन का लेवल कम है और बर्फ बहुत ज्यादा है और हवाएं जो होती हैं वो बर्फीली होती हैं। लेकिन इन बर्फीली दुर्गम पहाड़ियों में मोटरसाइकिल को चलाना दुनिया के सबसे बेहतरीन मजों में से एक मजा है। जितना आनंद यहाँ पर आता है बाइकर्स को, उतना मुझे लगता है कि बहुत कम जगह पे ही आता होगा। बहुत ही खूबसूरत पहाड़। ये देखिए ऊपर एकदम पक्की बर्फ, जो मोस्टली हमारे जो फ्रीजर्स होते हैं उसके अंदर ही होती है, घरों के अंदर। और रोड पे आप ये जो देख रहे हैं ये भी पक्की बर्फ है, और इस पर बाइक निकालना अभी एकदम नामुमकिन था, लेकिन टफ टास्क था, हमने कर लिया पूरा। मॉर्निंग में हम सुबह थोड़ा जल्दी निकले हैं, उसकी वजह से हमें ये सब चीज़ें फेस करने पड़ रही हैं, और इस पर भी हम लोग खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ मैं। देखिए ठीक है, अभी मैं एडजस्ट नहीं कर पाया। एनीवेज अभी टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे -17 है। मैं आपको थोड़ा सा एक सेकेंड इसमें चलना, जबकि मैंने पूरे प्रॉपर बाइकिंग शूज़ पहने हुए हैं, लेकिन नॉट सो इजी। एक अच्छी बर्फ है, इस पर मैं मूव कर सकता हूँ। और ये देख सकते हो आप मेरे पीछे खारदुंगला। नाइस व्यू, मजेदार राइड। और अब आगे चलते हैं टॉप पे खारदुंगला। किस तरीके से भारतीय जवान यहाँ पर रहते होंगे इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि एक आदमी को, नॉर्मल आदमी को 15 से 20 मिनट से ज़्यादा यहाँ नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन का जो लेवल है वो ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा कम है यहाँ पर। तो जो भी शरीर कैसा भी हो, कैसी भी आपकी शारीरिक स्थिति हो, लेकिन यहाँ पे सरवाइव करना इतना आसान नहीं है। 15 अगस्त की तैयारियां यहाँ पर बहुत जोरों शोरों से की गई हैं। और मैं अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूं दुनिया के सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड पर अभी इस बाइक के साथ में, जिसका नाम है बन्नो। और ये फौजियों का ही एक रेस्टोरेंट है, ढाबा है, जहाँ पे फैसिलिटीज हैं कुछ खाना खाने के लिए। फ्रेंड्स, बचपन से लेके अभी तक हमने मैगी बहुत खाई है, मैगी पे बीच में वेबैन भी लग गया था, और एज ए ट्रैवलर मुझे बहुत हर्ट फील हो रहा था, लेकिन फाइनली अभी हम खारदुंगला टॉप पे हैं और यहाँ पे भी हमारा सेवियर मैगी ही है। आप सोच नहीं सकते हैं इसका धुआं कितना अच्छा लग रहा है अभी। भारत माता की जय। फ्रेंड्स, ये मेरा अभी तक का सबसे अच्छा 15 अगस्त था जो मैंने खारदुंगला टॉप के ऊपर मनाया फौजियों के साथ में। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। खारदुंगला पर इतना रोमांचक अनुभव लेने के बाद में मेरा अगली जो मंजिल थी वो थी
नुब्रा वैली। नुब्रा वैली के बारे में मैंने सुना है कि वो बहुत ही खूबसूरत वैली है, और उसके आगे जो डिस्ट्रिक्ट एक जगह है, वहाँ एक मॉनेस्ट्री है, और उस मॉनेस्ट्री में महात्मा बुद्ध की एक बहुत ही बड़ी प्रतिमा है, जो जब भी मैं उसको देखता हूँ कहीं पे भी नेट पे या कभी उसकी तस्वीर देखता हूँ तो मुझे अट्रैक्ट करती है उस तरफ जाने के लिए। और ये बर्फ से भरी हुई जो रोड है ये मेरे हौसले को और बढ़ा रही है कि मैं जल्दी से जल्दी उस जगह पे पहुंचूं और उस प्रतिमा के दर्शन करूं। और जब आप इतने दिन यहां बाइक चला चुके होते हैं तो सावधानी के साथ में आप चलाते रहिए, और ये रास्ते आपको बहुत बेहतरीन लगेंगे, बहुत सुकून देने लगेंगे, और कैसा भी रास्ता आ जाए आप अपनी बाइक को निकालने में सक्षम महसूस करेंगे। और जितना भी डर किसी भी तरीके का, अगर वो ऊंचाई का है या गिरने का है या किसी भी तरीके का डर किसी बाइकर के अंदर होता है, तो वो यहाँ पे आके बिल्कुल खत्म हो जाता है। दिस राइड को, इस बाइक यात्रा को पूरा करने के बाद वो जो डर है वो खत्म हो जाता है। लद्दाख की पहाड़ियों की एक खासियत में से एक खासियत ये भी है कि यहाँ के जो बादल हैं वो बहुत साफ हैं, और ऐसा लगता है कि इनके पार भी देखा जा सकता है। बारिश के बादल लद्दाख में नहीं आ पाते, उसकी वजह से लद्दाख जो है वो एक पहाड़ी रेगिस्तान में बदल गया है। इसलिए यहाँ के पहाड़ों को जब आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये बहुत सूखे हैं। नुब्रा वैली की तरफ जैसे जैसे मेरी बाइक, मेरी मोटरसाइकिल आगे की तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे ही मेरा रोमांच जो है वो भी बढ़ रहा था, क्योंकि जो देखने को नज़ारे मिल रहे थे वो बहुत ही खूबसूरत और ख़तरनाक नज़ारे थे। रोड बहुत अच्छी बनी हुई है, लेकिन पतली रोड थी, थोड़ी संकरी रोड बोल सकते हैं, क्योंकि सामने से जब कोई गाड़ी आती थी तो अपनी मोटरसाइकिल को संभालना थोड़ा मुश्किल सा होता था। लेकिन इस खूबसूरत एहसास के आगे ये कुछ नहीं। अभी मैं हूँ नुब्रा वैली में, और ये होटल जिसके अंदर मैंने स्टे लिया है कल रात को निकल जाए और अभी हम लोग चलते हैं इसके अंदर। होटल काफ़ी बहुत पीसफुल है, और इसके जो छत जो थे वो वुड के बने हुए थे, वुड भी नहीं बैम्बूज जो होता है बांस, उसके बहुत अच्छे से इन्होंने बनाए हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। और ये इस होटल के ओनर हैं, हस्बैंड वाइफ। यस। अपना नाम बता दीजिए। सेवंग। थोड़ा जोर से बोलिए प्लीज। सेवंग। ओके। मेरा नाम स्तंजिन चंडोल। चलिए आपके होटल के अंदर चलते हैं। अच्छा जी। बहुत ही खूबसूरत ड्राइंग रूम इन्होंने बनाया हुआ है, ये देखिए। बोलिए। इसमें साल्ट टी रखते हैं, और इसके अंदर जो ना कोयला रखता है, और जिससे ये गर्म होके रहता है। ओके, वेरी गुड। और ये पहले जमाने में ये प्रेशर कुकर का काम करता था, ये पत्थर का है। ये अभी 500-600 सेंचुरी हुआ है। 500-600 सेंचुरी। ओह, वेरी गुड। पहले तो इसी में बांधता था, और कोई बर्तन वगैरह था ही नहीं। ये मेरा कमरा जिसमें मैं रुका था,
और इसकी देखिए छत बेम्बूज के हैं। और बाहर का नजारा भी बहुत खूबसूरत। इसमें एक्चुअली ये जो पानी आप देख रहे हैं जो बह रहा है, ये कोई नाली नहीं है, ये ग्लेशियर पहाड़ों में से ही पानी निकल के आ रहा है, एकदम प्योर वाटर है। ये लद्दाखी लोकल ब्रेड, और इसको बीच में से ऐसे काट के इसमें हम लोग जैम और बटर लगा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है, वेरी टेस्टी। अगर आप यहाँ पर आते हैं नुब्रा वैली में तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये ब्रेड बनाया है इन्होंने। आपका नाम? संजन चंडोल। इस ब्रेड को बनाते कैसे हो आप? इसमें आग जला के और पत्थर के ऊपर। डिस्ट्रिक्ट में रुकने के बाद यहाँ मैंने 2 दिन का समय निकाला, और उसके बाद अब टाइम आ गया था जो मुझे यहाँ का सबसे खूबसूरत एक अट्रैक्शन है, एक आकर्षण है, उसकी तरफ जाने के लिए। ये जो मॉनेस्ट्री है ये काफी ऊंचाई पर बनाई हुई है, और उस प्रतिमा तक पहुंचने के लिए काफी गोल गोल घूमकर वहां पे पहुंचा जा सकता है। बौद्ध भिक्षुस जो हैं वो ऐसी दुर्गम जगहों पर ही रहते हैं। जितना मैंने हिंदुस्तान घूमा है ऐसी सब दुर्गम जगहों के ऊपर ही मुझे महात्मा बुद्ध और मॉनेस्ट्रीज नजर आई हैं। महात्मा बुद्ध ही एक ऐसे थे जिन्होंने ये बोला था कि मेरी एक भी प्रतिमा मेरे मरने के बाद या मेरे जाने के बाद कभी ना बनाई जाए। और कोइंसिडेंस देखिए कि महात्मा बुद्ध की ही सारी प्रतिमाएं, महात्मा बुद्ध की जितनी प्रतिमाएं इस दुनिया में उतनी किसी की भी नहीं है। और एक बात और भी है, इंसान ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं, उनके मना करने के बावजूद इतनी अच्छी बेहतरीन उनकी प्रतिमाएँ बनी हुई हैं पूरी दुनिया के अंदर, जो सबसे कॉस्टली भी हैं, और कोइंसिडेंसली ऐसी जगहों पर हैं जहाँ पे उन्हें बनाना या स्थापित करना बहुत मुश्किल है। उनमें से ये एक। आप सबको पता है कि मैं ओशो फॉलोअर हूँ, तो महात्मा बुद्ध के बारे में मैंने जितना पढ़ा है, आप बस उनकी प्रतिमाओं के, कोई भी प्रतिमाओं, कोई भी मूर्ति हो, सिर्फ 2 या 3 सेकंड उनकी आंखों में आंखें डाल के देखिए, आपके सारे जो भी अंदर के टेंशन हैं सब खत्म हो जाएंगे, सब रिलैक्स हो जाएंगे। कभी भी ट्राई करके देखिएगा। डिस्ट्रिक्ट मॉनेस्ट्री के अंदर शांति के पल बिताने के बाद अब मैं वापस जा रहा हूं पहले जिस तरफ से मैं आया था वो साइड अब बदल गई है। अब मैं दाईं साइड नहीं होके बाईं साइड बाइक चला रहा हूं, तो ये सारे नज़ारे मुझे उल्टी तरफ से देखने के लिए मिल रहे हैं। भारतीय सेना ने यहाँ बोर्ड लगाया है नेवर गिव अप, मतलब कितनी भी तकलीफ या कितना भी आपको जिंदगी में रास्तों में परेशानी आए कभी गिव अप नहीं करना होता। और ये पहाड़ी जलवायु के अंदर
रहने वाले जीव जंतु दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनी हुई लेक डल लेक, इसका पानी किसी कांच की लेयर की तरह दिखता है, एकदम साफ, बहुत ही खूबसूरत सा नजारा। फ्रेंड्स, मैंने ऐसे बहुत सारे गरीब देखे हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है लेकिन इंजॉय करने के लिए टाइम नहीं है, सोसाइटी को, फ्रेंड्स को, सर्कल को देने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि इतना पैसा कमाने से कुछ नहीं होने वाला है। अपनी ज़रूरत के पैसे कमाइए, जो भी आपको जितना भी चाहिए उतना आप कमाइए, कोई इशू नहीं है, लेकिन उस पैसे को इस कीमत पर मत कमाइए कि आप अपने आप को भूल जाएँ। अपनी जो आपको एक लाइफ मिली हुई है, उस लाइफ के अंदर जितना आप इंजॉय कर सकते हैं, जितना आप नेचर से कनेक्ट हो सकते हैं, जितना लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए। और अच्छी लाइफ के लिए हमेशा कोशिश करते जाइए, सिर्फ पैसे कमाने से कुछ नहीं होगा। दुआएं भी कमाइए, वेल विशेस भी कमाइए और लोगों से कनेक्ट भी होइए। लेह से अब मैं निकल रहा हूं मनाली की तरफ। ये रास्ता वो है कि इसमें बीच में कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलता है, जिसकी वजह से सब बाइकर्स पेट्रोल कैन वगैरह कैरी करते हैं। और सबसे पहले मुझे अब चढ़ना है तेलंगाना पास की तरफ, जो कि दुनिया का दूसरे नंबर का हाईएस्ट पास है। लेकिन इन रास्तों पर चल के ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं कोई दुर्गम रास्तों पर जा रहा हूँ। रोड बहुत ही अच्छा बना हुआ है और जैसे जैसे मोटरसाइकिल ऊपर की तरफ जा रही है, वैसे वैसे बर्फ अब दिखना शुरू हो गई है। बर्फीली हवाओं और पानी की वजह से कहीं ना कहीं मेरे हाथ जो है वो थोड़े जम से रहे हैं, लेकिन इन दुर्गम रास्तों पे मोटरसाइकिल चला चला के अब मन इतना पक्का हो चुका था कि इन सब चीजों का भी मजा आ रहा है। जैसे जैसे तेलंगाना पास की तरफ मैं ऊपर चढ़ रहा था, टेम्परेचर एकदम कम होता चला जा रहा था और हवा की जो स्पीड है वो बढ़ती चली जा रही थी। ऐसा बोला जा सकता है कि एकदम बर्फीली हवाएं ऊपर चल रही थी। मेरी तरह यहां पे और भी काफी लोग आए हुए हैं लेकिन यहां का जो मौसम है वो ह्यूमन बॉडी के हिसाब से कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं हूँ तांगलंगा टॉप पे, जो कि वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। और मेरी हालत देख के आपको लग गया होगा कि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत माने बहुत ज़्यादा है। एक मुझे चाय का दुकान मिला है, वहाँ मैं चाय पी रहा हूँ इनके यहाँ पर। जी, मेरा नाम है टुंडू, मैं तीन महीना इधर बैठेगा। आज ही सुबह से मौसम खराब हो गया, कोई बर्फ आएगा कि बारिश आएगा नहीं बोल सकेगा। ये मुझे ये समझा रहे हैं कि मैं जितना आगे बढ़ सकता हूँ अभी आगे निकल जाऊँ, बिकॉज मौसम सुबह से बहुत ख़राब हो गया है। देखिए कंडीशन, चारों तरफ जो है वो आइस आ चुकी है, बर्फ आ चुकी है। और ये बर्फ जो है कच्ची बर्फ नहीं है, वेरी स्ट्रॉन्ग बर्फ। तो होपफुली मैं अब खींचता हूँ। बनो मस्त परफॉर्म कर रही है और होपफुली हम लोग बहुत जल्दी आगे कोई भी अच्छा डेस्टिनेशन ले लेंगे और रुकेंगे। चलिए चलते हैं आगे।
इन शानदार पहाड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पे दुनिया की बहुत बेहतरीन फिल्म्स की भी शूटिंग हुई होगी, और कुछ फिल्मों के गाने या ऐसे सीन मुझे नजर आते हैं, दिमाग में आते हैं, जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहीं पे पिक्चराइज किए गए हैं। रास्ते बन जाने की वजह से अब ये जगह आम लोगों की अप्रोच के अंदर आ गई है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले ये वादियाँ, ये रास्ते आम लोगों के लिए नहीं होते थे, क्योंकि एक तरफ जो सीमा है वो पाकिस्तान की है और दूसरी तरफ चाइना की है, जिसकी वजह से लद्दाख की जो बाउंड्री है वो थोड़ा सेंसिटिव जोन में आती थी, और यहाँ की वादियाँ इस तरीके से सब लोगों के लिए पहले खुली हुई नहीं थी। लेकिन भारतीय सेना के प्रयास से अब यहाँ पे घूमा जा सकता है, इसीलिए पर्यटक जो है वो पूरी दुनिया से यहाँ पर आते हैं इन बेहतरीन पहाड़ियों का नज़ारा लेने के लिए और अपनी इच्छा शक्ति को परखने के लिए। और इस मोटरसाइकिल के सफर के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि सब लोगों का अंदर का जो डर है वो एकदम खत्म हो जाता होगा और वो अपने आप से कनेक्ट हो जाते होंगे। आज सरचू के अंदर मैं इस कैंप में रुका हूँ। बहुत ही खूबसूरत सी जगह है, ठंड थोड़ी सी बस ज़्यादा है। बनो एज यूजुअल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। मौसम बहुत अच्छा है, काफ़ी बाइकर्स भी यहाँ पे रुके हुए हैं, क्योंकि एक्चुअली हुआ ये था कि लेह से जब हम लोग निकले थे तो मेरा टारगेट था कि जिस्पा पहुँचना है, लेकिन जिस्पा काफ़ी दूर है यहाँ से 100 किलोमीटर। तो लोकल जो लोग हैं उन्होंने गाइड किया कि अगर मैं इस टाइम पर वहाँ जाऊँगा तो वाटर हर्डल्स बहुत ज़्यादा है, रोड बहुत ख़राब है, तो नहीं जाना चाहिए। तो डिसाइड यही किया कि मैं सरचू में रुक जाता हूँ। यहाँ फैसिलिटीज़ थोड़ी कम है, क्योंकि आपको लाइट, इलेक्ट्रिसिटी या कुछ भी इंटरनेट ये सब तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी जगह बहुत अच्छी है। और मेरे कैंप में लेके चलता हूँ आपको। ये मेरा कैंप, डबल बेड, लेकिन मैं सिंगल हूँ। और गोप्रो का जो यहाँ चार्जिंग नहीं था, थैंक्स टू वेदा कि उसने मुझे ये दिया हुआ है पावर बैंक, ये उसका ही पावर बैंक है एक्चुअली, जिससे मैंने गोप्रो चार्जिंग पे लगा रखा है। और गोप्रो का जो बैटरी, मतलब जो मेमोरी था, वो मैंने इसमें लगाया हुआ है, तो ये कॉपी हो रहा है इसके अंदर, तो बस ये हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। कैम्प बहुत अच्छा है, एक रजाई, नहीं हाँ दो रजाई दो कंबल, तो मतलब ठीक था, अच्छा था, रात गुजर गई। वॉशरूम भी लोगों का मतलब टेम्परेरी जैसा होता है वैसा ही है, लेकिन नॉट बैड, ऐसी जगह पे इतना भी मिलना बहुत है। और ये लोग आपको गर्म पानी दे देते हैं एक बाल्टी, तो वो ठीक हो जाता है। और देखिए छोटा सा गुलदस्ता। ऑल इज फाइन, आगे का रास्ता बोल रहे हैं कि बहुत टफ है, देखते हैं। वाटर हर्डल्स की वजह से काफ़ी टफ है, बना हुआ नहीं लग रहा है, तो जैसा भी रहेगा मैं अपडेट करता हूं आपको। तो चलिए चलते हैं आगे। सरचू में एक रात बिताने के बाद, सरचू एक ऐसी जगह है जो थोड़ा हाइट पर है, इसकी जिसकी वजह से यहाँ ठंड बहुत ज्यादा थी, और ये रिवर क्रॉसिंग, इसको वाटर हर्डल भी बोलते हैं, रिवर क्रॉसिंग भी बोलते हैं। यहाँ पानी जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा, यहाँ पानी का लेवल बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि बर्फ पिघल जाती है। लेकिन इन रास्तों पे मुझे बाइक निकालने में ज्यादा परेशानी नहीं आई, क्योंकि
क्योंकि मैं राइट टाइम पे वहां से निकल रहा था। सरचू के हाईएस्ट पॉइंट से ऊपर चढ़ने के बाद अब मैं नीचे की तरफ उतर रहा था और उसके बाद में मुझे दोबारा ऊपर चढ़ना था जो कि था रोहतांग पास। इस रास्ते की यही खूबसूरती है कि इसमें आपको एक तरफ पहाड़ी के ऊपर जाना पड़ता है फिर पहाड़ी के नीचे की तरफ जाना पड़ता है। जब भी आप लेह से निकलते हैं तो पहले आपको तेलंगाना पास के ऊपर जाना पड़ता है, फिर आपको नीचे आना पड़ता है, फिर सरचू, कल्पा, उसके बाद अब दोबारा रोहतांग पास। रोहतांग पास से पहले एक चेकिंग पॉइंट आता है जहां पे सबके नाम लिखा लिए जाते हैं उनके फोन नंबर्स के साथ में, जैसे अगर कोई इंसान गुमशुदा हो जाए तो पता लगाया जा सके कि वो कहां से कहां के बीच के रास्ते में गुमशुदा हुआ है। पे बारिश होने की वजह से रास्ता बहुत खराब हो गया था और मिट्टी में पानी मिलने की वजह से कीचड़ जैसा हो गया था, जो कि किसी भी बाइकर के लिए, मोटरसाइकिल राइडर के लिए बहुत ही तकलीफ वाला रास्ता था और काफी बाइकर यहां पे स्किड करके गिर भी रहे थे। ऐसे रास्तों पे धैर्य बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। ये पहाड़ जो होते हैं वो आपका पेशेंस ज़रूर चेक करते हैं, तो पहाड़ में अगर आप में संयम है, पेशेंस है, तो आप ये पहाड़ आपको कभी नहीं गिराएगा, लेकिन जैसे अगर आप अपना पेशेंस लूज करते हैं तो समस्या हो सकती है। फाइनली हम पहुंच गए हैं रोहतांग पास। रोड कैसा था सबने देख ही लिया आप लोगों ने। यहाँ थोड़ी बारिश हो गई है, बारिश होने की वजह से काफी स्किटी था, बाइक का पीछे वाला पहिया अपने आप इधर से उधर हो रहा था। रोहतांग से नीचे उतरते के टाइम नज़ारे बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, रोड बहुत ही अच्छा था। और सही में ऐसा महसूस हो रहा था कि जो दुर्गम रास्तों का ये सफ़र है अब वो कहीं ना कहीं हरियाली वाले रास्तों में बदलने वाला था। ऐसे बहुत सारे राइडर्स मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ जो डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रहे हैं, मतलब वो इन्जॉयमेंट के लिए कहीं रुक ही नहीं रहे। और इतने अच्छे मौसम, वैलीज, इनमें मुझे लगता है रुकना चाहिए, एटलीस्ट जितना आपको कंफर्टेबल फील हो 2-5-10 मिनट रुकना चाहिए। तो जब भी आप राइड कीजिए प्लीज़, और प्लीज़ इस तरीके के वेदर को इन्जॉय भी कीजिए, सिर्फ ये नहीं कि यहाँ से वहाँ तक जाना है, ऐसा नहीं। तो चलिए चलते हैं आगे। एक दो वाटर हर्डल हैं वो मैंने क्रॉस कर लिए हैं और मैं रोड पर हूँ। एक्चुअली
सरचू तक रोड ठीक था, सरचू के बाद में जो रोड ख़राब है वो इतना ख़राब है जिस पे नॉर्मली बाइक रन करना नॉट सो इजी। और जो पैच सही है, जैसे ये वाला पैच जो है ये एकदम सही है, तो ये रूट्स भी हैं काफ़ी हैं, लेकिन 20-25% रोड जो हैं वो बहुत अभी तक ख़राब है। एनीवे जो भी आगे होगा वो भी मैं आपको अपडेट करता हूँ। ये डॉक्यूमेंट्री सन 2017 में अगस्त के महीने में किए गए मेरे बाइक राइड के अनुभव के ऊपर बनाई हुई है। इस राइड को मैंने मुंबई से निकलकर दिल्ली और दिल्ली से फिर मैं पठानकोट, जम्मू, करगिल, करगिल के बाद खारदुंगला, पेंगोंग लेक और पूरा लद्दाख कवर करते हुए फिर मैं लेह से आया मनाली, और मनाली से फिर मैं दोबारा गया मुंबई जहां का मैं रहने वाला हूं। इस पूरे सफर को मैंने मनाली तक डॉक्यूमेंट किया है। और इस मोटरसाइकिल के सफ़र को करने के दौरान और ये डॉक्यूमेंट्री बनाते वक्त मैं बस यही महसूस कर रहा हूँ कि ये यात्रा जितनी बार हो सकेगा, ये जर्नी जितनी बार हो सकेगी मैं करता रहूँगा, क्योंकि ये खूबसूरती जो यहाँ है वो कहीं और नहीं हो सकती। दुनिया की सबसे खूबसूरत सफ़र में से एक सफ़र।